संभल महिला पत्रकार को प्रधान व उसके साथी द्वारा धोखे से बुलाकर फंसाया की अश्लील हरकत। आपको बता दें मामला संभल का है, जहां पर संभल के ग्राम महाराणा के प्रधान रवि राज और साथी राजीव के द्वारा पूरी तरह जाल बिछाकर महिला पत्रकार को अपने YouTube चैनल पर अपने ग्राम में कराए गए विकास कार्यों का विज्ञापन चलवाने की बात कहकर बुलाया गया, जिसका ऑडियो महिला पत्रकार के पास मौजूद है और भली भांति विज्ञापन पूर्ण रूप से बनाया गया व विज्ञापन की धनराशि भी प्रधान द्वारा दी गई, जिसकी चालाकी से प्रधान ने वीडियो बनाई जिसका षड्यंत्र वह पहले ही रच चुके थे। पैसे के लेन देन के बाद ग्राम प्रधान मौजूद पत्रकार महिला पत्रकार से अश्लील हरकतें करने लगे। उसका महिला पत्रकार और उसके साथी ने विरोध किया तो प्रधान और पत्रकार ने महिला पत्रकार और उसके साथी को बंधक बना लिया। जी, क्या नाम आपका? नाजरी। क्या घटना घटी आपके साथ? देखिए, मैं टुडे 24 न्यूज चैनल से पत्रकार हूँ और हमने ग्राम प्रधान महराना जी का विज्ञापन लगाया था। उस विज्ञापन के पैसों को लेकर के हमने जो बातचीत हुई थी बाद में देने की, उन पैसों को लेकर के ग्राम प्रधान ने हमें फोन किया, बुलाया पैसे देने के लिए। जिस टाइम विज्ञापन लगाया था उस टाइम विज्ञापन लगाया था, उस वक्त पैसे नहीं लिए थे, बाद में देने का आश्वासन दिया था। उसी के तहत हमने जब फोन किया उन्होंने नहीं उठाया, खुद उन्होंने फोन करके हमें अपने घर बुलाया, जिसका ऑडियो हमारे पास है, मौजूद है। उसके बाद में बुलाने के बाद में जब हम उनके घर गए तो वहाँ ग्राम प्रधान की नीयत में बदलाव आ गया। उन्होंने पैसे देना या न देना उसका वीडियो जो भी है वो सभी के सामने है। उसके साथ ही उन्होंने मेरे साथ जो हरकत की, मुझे अलग बात करने के बहाने अलग ले गए बुला करके, वहाँ मेरे साथ अश्लीलता की, बदतमीजी की, हर तरह से की। उसके बाद में मैंने अपनी सुरक्षा के लिए 100 को बुलाया, वहाँ पर मामला थाने में पहुँचा और मेरी तहरीर थाने में आज भी जमा है, हालांकि परसों से दी हुई है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे साथ जो अश्लीलता हुई है ग्राम प्रधान द्वारा और एक पत्रकार वहाँ मौजूद थे। आप थाना अध्यक्ष से मिले थे? जी, थाना अध्यक्ष से मेरी मुलाकात अभी तक नहीं हुई है, उस वक्त में हुई थी। वहाँ उस दिन जो है सुलहनामा करवा दिया गया था ग्राम प्रधान द्वारा। क्या थाना अध्यक्ष में मौजूद थे? जी हाँ, जब थे मौजूद। जब आपका सुलहनामा हुआ? जी हाँ, सुलहनामा हुआ था, थाना अध्यक्ष मौजूद थे। तो सुलहनामा के बाद क्या हुआ? सुलहनामा के बाद में हम अपने घर चले आए वहाँ से, जब सारा मामला निपट गया। उसके बाद में हमें अगले दिन 11:30 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। उल्टा आपके बाद आपके खिलाफ मुकदमा हुआ? जी, उल्टा मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया गया है। आपने ग्राम प्रधान के खिलाफ जो आपके साथ अश्लीलता करी है, आपने ग्राम प्रधान के खिलाफ तहरीर दी? जी बिल्कुल दी है तहरीर, मेरी आज से नहीं, उसी दिन जिस वक्त मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी तुरंत उसके 1 घंटे बाद ही मेरी तहरीर वहाँ पर जा चुकी थी। क्या कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस बात को 3 दिन गुजर चुके हैं, आज 34th दिन शुरू है। आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि उस ग्राम प्रधान पर, जिसके हौसले इतने बुलंद है कि वो एक पत्रकार को इस तरह से झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ग्राम प्रधान को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। आपको अश्लीलता करी आपके साथ? जी हाँ बिल्कुल, मेरे साथ अश्लीलता की, भद्दे अल्फाज मेरे लिए जो है इस्तेमाल किए गए और हर तरह की बदतमीजी उनके द्वारा मेरे लिए की गई। जिस समय आपको बंधक बनाया था उस समय टाइम क्या हुआ होगा? उस समय शाम के लगभग 7 बज रहे होंगे और 7 बजे तक जब मेरे साथ अश्लीलता हो रही थी और मेरे साथी ने उसका विरोध किया, इस विरोध करने पर मुझे और मेरे साथी दोनों को धमकियां भी दी गई और 3 घंटे तक हमें वहां पर अपने ही घर पर ग्राम प्रधान ने अपने अन्य साथियों के साथ बंधक बनाकर वहां रखा हमें। मतलब किस नियत से? किस नियत से? हो सकता है हमें कुछ और इरादा हो सकता है, वो हमारे साथ हमें जान को भी खतरा हो सकता है, मेरे साथ भी कुछ अनहोनी घटना घट सकती थी और वो तो हमें कह रहे थे कि हम पुलिस बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं, लेकिन 3 घंटे तक हम वहाँ बैठे इंतजार करते रहे, उनके बंदी बनकर इंतजार करते रहे, लेकिन ना तो कोई वहाँ पुलिस आई, ना कोई ऐसा कोई भी वहाँ पर नहीं आया, बल्कि 100 नंबर डायल मैंने अपनी सुरक्षा के लिए जो बुलाई थी वो वहाँ पर आई जब मैंने उनको बुलाया।